हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल चल पहल। आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण कक्षा 10 एनसीईआरटी आरबीएसई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग का दूसरा प्रश्न कहता है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सवाल दिया हुआ है और इसका हमें द्विघात समीकरण बनाना है। हम द्विघात समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं वही इसके अंदर देखते हैं। प्रश्न कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम पहले, तो अपने पास क्या आएगा, देखो यहां पर इसने कहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है, हमें पहले माना चौड़ाई कितनी है x मीटर, मीटर में दे गया इसलिए x मीटर मानेंगे। तब प्रश्नानुसार लंबाई कितनी हो जाएगी, इसने कहा चौड़ाई के दुगुनों से एक अधिक है, ये चौड़ाई x है, इसका ये दुगुना 2x हो गया, इससे एक अधिक है प्लस एक कर दिया, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। और इसने क्या दिया, भूखंड का क्षेत्रफल है, देर क्या आयत का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, इक्वल टू अपने को आज क्या दे रखा है 528 दे रखा है, ये लंबाई कितनी है आपकी 2x प्लस एक, चौड़ाई कितनी है x इक्वल टू 528। और इनको कोष्ठक को खोलते हैं, इनको गुणा करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528 या फिर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 ये बराबर इक्वल टू 0, ये आपकी द्विघात समीकरण हो गई। इस प्रकार से हमारी द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गई। ठीक है दोस्त, सी का दूसरा सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसकी हमें समीकरण बनानी है। हम मानते हैं पहला पूर्णांक जो है वो अपना x मान लेते हैं। अब ये क्रमागत है, क्या है क्रमागत, लगातार, यानी इसमें एक और जोड़ने पर अगला पूर्णांक प्राप्त हो जाता है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा अपने पास, दूसरा पूर्णांक x प्लस एक। अब इसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक भी आते हैं और धनात्मक भी आते हैं, लेकिन इसने धनात्मक कहा है इसलिए दोनों ही प्लस के होंगे, धनात्मक होंगे, फिर दोनों का अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार अपना गुणनफल क्या देगा, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो अपने पास पहला पूर्णांक क्या x है, इसका गुणा क्या हमने x प्लस एक इक्वल टू 306, ठीक है, ये गुणनफल अपने 306 जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कोष्ठक को खोलते हैं, इसको गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया, इसको x से गुणा करेंगे प्लस बीच में प्लस लगाया ये x हो गया इक्वल टू 306 हो गया, और x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। इस 306 को हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो इधर माइनस प्लस का था, इधर आगे माइनस का हो गया, ये आपकी द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गई। ठीक है दोस्त, साथियों आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठे, हर एक स्टेप को आप अपने साथ करते जाए, इससे आपको हर स्टेप समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं आता वहां मुझे कमेंट्स करके जरूर बताए, और जब सवाल कंप्लीट हो जाता उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में देखने के लिए। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले,
और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि हर एक को इसका फायदा मिल सके। अब हम वापस चलते हैं सवाल पे कि कहता है रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ जो उसे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। तो सीधी सी बात है, हमें यह मानना है, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, वर्ष में दे दी है, एक्स वर्ष मान लेंगे, तब रोहन की मां की आयु क्या रहेगी, आयु अपने पास एक्स प्लस 26, क्योंकि वो कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है दिया सवाल में, तो एक्स प्लस 26 वर्ष। अब लेकिन इसने क्या कहा आगे, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी वर्तमान जिसे आज का दिन है उससे 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 रहेगा, हम यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु एक्स प्लस 3, क्योंकि वर्तमान एक्स है, उसमें 3 और जोड़ देंगे 3 साल बाद की आयु रह जाएगी। इसी प्रकार मां की आयु रोहन की मां की आयु एक्स प्लस 26, इसमें और 3 जोड़ेंगे अपने पास एक्स प्लस 29 आएगी। ठीक है, ये भी पास क्या इसने कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है एक्स प्लस 3 और मां की आयु है एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360 है, ये 360 दिया हुआ है। अब हम इस कोष्ठक को खोलते हैं, एक्स प्लस 29 और इस 3 से फिर प्लस है, बीच में प्लस गया 3, एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब अपने पास यहां पर देखिए कोष्ठक को खोलते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, इसको गुणा करेंगे 29 एक्स हो गया, ये कोष्ठक खुलेगा बराबर 3 एक्स हो गया प्लस ये 87 हो गया बराबर 360 हो गया। अब हम इनको एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस 29 और 3 32 हो गए, ये 32 एक्स। अब अपने पास प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, ये अपने पास 360 है, हमने इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब माइनस 360 में से हम क्या कर सकते हैं, ऐसी घटा देते हैं, ये अपने पास 3 और 15 में से 8 ये 7 2, तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0, ये आपकी द्विघात समीकरण हो गई। ठीक है दोस्त, तो प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में हम करते हैं, तो अपने पास माना रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें हमें दूरी दी हुई, क्या दी हुई है दूरी बराबर 480 किलोमीटर, चाल बराबर आपका दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसने समय का अंतर दिया हुआ है तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने पास क्या हो जाएगा, पहले 480 किलोमीटर की दूरी है तो अपने पास चाहिए समय
टी वन अपने पास रहेगा 480 बटा आपका एक्स, ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो दूसरी चाल क्या हो जाएगी आपके पास, चाल आपके पास पहले एक्स थी उसे 8 घंटा कम हो रही है, माइनस एक्स हो गया, एक्स माइनस 8 हो गया, 8 घंटे कम हो गए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्स जो चाल थी उसमें से माइनस 8 कर लिया। तो अपने पास दूसरा समय टी टू जो ज्ञात करते हैं वो क्या होगा आपका 480 दूरी है बटा चाल क्या है, चाल एक्स माइनस 8 है, ये दूसरी होगी समीकरण। अब अपने पास क्या है, देखिए ये समय ज्यादा है, टी टू क्या है ज्यादा है, तो अपने क्या कहे समीकरण 2-1 यानी 480 माइनस आपका एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटा एक्स इज इक्वल टू 3 घंटे, कितने का अंतर आया आपका 3 घंटे अधिक लेती है, दोनों का अंतर क्या है यहां बराबर समझ आएगी, यहां कम किए तो 3 घंटे अधिक हो, देखो तुम लेते हैं एक्स एक्स माइनस 8, ठीक है एक्स माइनस 8 का भाग दिया, यह हो गया अपने पास 480 एक्स माइनस आपके पास एक्स का भाग दिया तो अपने पास हो जाएगा एक्स माइनस 8 और 480 से गुणा हो जाएगा ये और इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब अपने 480 एक्स ठीक है माइनस एक्स से गुणा किया अपने पास क्या रहेगा एक्स, ये 480 एक्स हो जाएगा एक्स और 480 एक्स और माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस के आपके पास 8 इंटू 480 बराबर आपके पास 3 और ये इधर गुणा 3 एक्स एक्स माइनस 8 ये जो बटे हुए में है उधर जाके गुणा में हो गया। अब 480 से 480 कट गया अपने पास इधर बचिया आपके पास इसको 8 गुणा 480 बराबर 3 एक्स एक्स माइनस 8 ठीक है ये अपने पास बच रहा है। अब हम क्या करते हैं इनको गुणा करते हैं 0 8 64 80 का 6 832 और 6 38 ठीक है बराबर अपने पास 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 24 हो गया 3 एक्स स्क्वायर और 8 24 एक्स हो गया 3 को इससे गुणा करेंगे 8 24 एक्स हो गया ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स और इधर पक्षांतर के तो 3840 ये प्लस का था इधर जाके माइनस हो गया बराबर अपने पास क्या गया 0 आ गया। अब हम इसमें 3 का भाग दे देते हैं सब में ठीक है इसमें भी भाग जाएगा देखो 8 4 12 15 इसमें 3 का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 8x हो गया 24 में भाग दिया माइनस इसमें 3 का भाग देते हैं तो 1 फिर आपके पास आएगा 2 ठीक है फिर आएगा 8 फिर आएगा 0 इज इक्वल टू 0 ये आपकी द्विघात समीकरण बनकर तैयार हुई है। ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।